शारदा पीठ कॉरिडोर बनाने पर बड़ा फैसला हुआ है। पीओके विधानसभा ने प्रस्ताव पास कर दिया। शारदा पीठ कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। शारदा पीठ के दर्शन के लिए पीओके जा सकेंगे भारतीय श्रद्धालु। करतारपुर कॉरिडोर के बाद अब शारदा पीठ कॉरिडोर बनाने का रास्ता खुलता नजर आ रहा है। पीओके विधानसभा ने बड़ा फैसला लेते हुए शारदा पीठ कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। इस कॉरिडोर के बनने से भारतीय श्रद्धालु हिंदुओं के प्राचीन मंदिर शारदा पीठ के दर्शन के लिए पीओके जा सकेंगे। हालांकि पाकिस्तान में ही इस प्रस्ताव का विरोध शुरू हो चुका है। वहीं जम्मू कश्मीर के लोग काफी समय से शारदा पीठ कॉरिडोर की मांग करते आ रहे हैं। इस जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में जो है उसको अब वापस लेने की जरूरत है। शारदा कॉरिडोर एक अटेम्प्ट है जो यहाँ के कश्मीरी मुसलमान है, हिंदू है, सिख है और उस पार के वो मिलना चाहते हैं। शारदा माता का जो पवित्र स्थान है वो किसी मुल्क और किसी मजहब की पाबंदी का वो नहीं है। कुछ महीने पहले गृह मंत्री अमित शाह ने तितवाल में शारदा देवी मंदिर के वर्चुअल उद्घाटन के मौके पर शारदा कॉरिडोर खोलने को लेकर ऐलान किया था। शारदा पीठ पीओके में मुजफ्फराबाद से 150 किलोमीटर और एलओसी से 10 मील की दूरी पर मौजूद है।